Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, जैसे कि आपको पता है guys, हमको जल्दी मैच दिखने वाला है Big E vs Seth Rollins vs Kevin Owens for the WWE Championship at WWE Day 1 Pay-Per-View. बस आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन ये मैच जीत सकता है और कौन हमको ये मैच में वॉक आउट करते हुए दिख सकता है as the new WWE Champion. So guys, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप Seth Rollins, Big E और Kevin Owens के बड़े बड़े फैन हो और हमारे कितना बिल्डअप किया है मैच में बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट है और WWE का साल का सबसे पहले नेम पे सबसे पहला पेपर होने वाला है बड़ा तो सरप्राइज देते हुए देखने वाली है और क्या वो सरप्राइज हो सकता है फिर हम देखते हैं कैसे मैच में गाइस सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस बनते हैं हमारे द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस के क्योंकि जो बीगे का हम देखते हैं गाइस सबसे वो WWE चैंपियन बनेगा WWE ने उनको ऐसा बुक किया नहीं है जैसे गाइस WWE ने इयर्स में रोमन रेंस ड्रू मैकइंटायर कॉफी किंगस्टन से स्टार्स को बुक किया था तभी वो चैंपियन बने सभी हमको जो तीन स्टार्स है गाइस ये भी चैंपियन बने गाइस हमको इनका एक अनडिफीटेड स्ट्रीक दिखा था और रोमन का स्ट्रीक तो अभी तक भी चालू है जो बीगे गाइस उनके जो स्ट्रीक रहे गाइस अनडिफीटेड गाइस वैसे कुछ तैयार हुए नहीं गाइस बीगे हमको कितना हारते हुए दिखते हैं गाइस एग्जांपल गाइस तभी बीगे वाले चैंपियन बने गाइस वो नेक्स्ट वीक के रॉक एपिसोड में नेक्स्ट उनके पहले ही रॉक एपिसोड में गाइस वो दोनों मैचेस हारे वो भी एक ही एपिसोड में फिर अभी वो रिसेंटली भी कितना लॉसेस लेते जा रहे हैं इसलिए WWE बीगे को खाली एक रिवॉर्ड के लिए चैंपियनशिप दी है और बस कोई बड़े प्लान्स नहीं है बीगे के लिए एज द कंपनीज नेक्स्ट बिग स्टार फिर गाइस अभी बात करते हैं क्यों हम केविन ओवेंस भी गाइस चैंपियन बनते हुए नहीं देख सकते क्योंकि क्लियर है गाइस जो केविन ओवेंस है गाइस उनका जो WWE कॉन्ट्रैक्ट है गाइस वो हमको एक्सपायर होते हुए दिखने वाला है जनवरी मंथ में गाइस क्लियरली हमको दिखा रहा है गाइस कि हमको जनवरी मंथ में जो केविन ओवेंस गाइस वो मोस्ट प्रोबब्ली गाइस WWE छोड़ते हुए दिख रहा है केविन ओवेंस ने पहले भी टीज किया है कि वो शायद से हम कंपनी छोड़ते हुए दिखने वाला है जल्दी गाइस केविन ओवेंस का भी नाम ले रहे तो गाइस एक ही नाम आता है और वो है हमारे आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस गाइस जो बीके गाइस सबसे चैंपियन बने गाइस वो हम बहुत हार से उनकी अलग ही स्ट्रीक चल रही है और वो है एक विनिंग स्ट्रीक कि सबसे गाइस सेथ रॉलिंस ड्रॉ पे आए गाइस वो हमको बहुत ज्यादा जीतते हुए दिख रहे हैं और गाइस ये चीज हमको तभी ज्यादा नोटिस हुई तभी गाइस WWE ने सेथ रॉलिंस को सोल सर्वाइवर बुक किया सर्वाइवर सीरीज में गाइस WWE वही बंदे को सोल सर्वाइवर बुक करती है जिनके के लिए गाइस WWE के बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स हो और जो सेथ रॉलिंस है गाइस हमारे गाइस WWE को हमेशा बस उनको पसंद है कि सेथ रॉलिंस को कभी ना कभी चैंपियनशिप पिक्चर में रखे क्योंकि सेथ रॉलिंस गाइस वो कंपनी के बिगेस्ट स्टार्स है और जरूर खुद को भी चाहिए कि वो हमेशा सेथ रॉलिंस को टॉप पे रखे हमको ऑलमोस्ट टू एंड हाफ ईयर से गाइस कोई भी चैंपियनशिप जीतते हुए नहीं दिखे इसलिए बिकॉज पॉसिबली गाइस सेथ रॉलिंस को एक रिवॉर्ड देते हुए दिख सके सेथ रॉलिंस गाइस उन्होंने लास्ट टू थ्री ईयर्स में बहुत ही मेहनत किया उन्हें हमको केविन ओवेंस सेजारो जैसे बड़े बड़े स्टार्स को एक अच्छा पुश देने के लिए उन्हें उनके सामने लॉसेस अफोर्ड किए जो एज है गाइस उनके सामने भी गाइस सेथ रॉलिंस गाइस वो भी हारे हैं सेथ रॉलिंस गाइस वो कितने बोल सकते हैं उन्हें कितनी मेहनत की है लास्ट टू थ्री ईयर्स में इसलिए पॉसिबल हमको एक रिवॉर्ड देते हुए दिख सकते हमारे द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस के लिए क्योंकि जरूरी देखते हैं जो सेथ रॉलिंस आजकल हमको हेल्प तो कर रही है चैंपियन बनने वाले क्योंकि हम देखते हैं कैसे उनकी विनिंग स्ट्रीक रही है वो बहुत रेडली मैचेस आ रहे हैं तब से रॉ पे आया है इसलिए जरूरी क्लियरली हिंट कर रही है कि वो पॉसिबली हमारे द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस जल्द ही बनते हुए दिख सकते हैं द न्यू WWE चैंपियन एट WWE डे वन पे पर व्यू और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले